रिलायंस इंडस्ट्रीज का आगे का क्या होगा भविष्य Q1 के बियॉन्ड, Q1 के नंबर तो आ चुके हैं, दैट हैज बिकम अ पास्ट नाउ, अब इस नंबर का क्या रिएक्शन होगा मंडे को, और साथ में Q2 के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, आइए जरा चलकर विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या बन सकती है आगे की प्रक्रिया रिलायंस इंडस्ट्रीज में बियॉन्ड Q1 नंबर्स, आइए जरा चलकर देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट डेफिनेटली 46% राइज किया है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा ही था, Q1 में 123 बिलियन इंडियन रुपीस का प्रॉफिट था, Q2 में यहां पर 2022 में Q1 में 180 बिलियन इंडियन रुपीस के अप्रॉक्सीमेटली इनका पैट आया है, तो ये एक पॉजिटिव तरह से देखा जाएगा 46%, बट मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मार्केट यहां पर उम्मीद कर रहा था कि 200 बिलियन रुपीस के आसपास इनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहां पर रशिया के चलते हुए इनके पास काफी सस्ता तेल आ रहा था, तो उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर ये एक थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपेक्टेशन माना जाएगा यहां पर, और हो सकता है मार्केट इसको थोड़ा इतना ज्यादा थम्स अप ना दे जितना यहां पर एंटिसिपेशन था। पिछले 5-6 दिनों से मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेशन में अपटिक रन कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो अब ये गिरावट भी आ सकती है। सबसे पहला कारण इतना बड़े राइज के लिए जो चीप ऑयल मिल रहा है रशिया से, पर वो कितने दिनों तक जारी रहेगा ये भी एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही लड़ाई खत्म होगी तो फिर ये सिचुएशन नॉर्मल होगी और यहां पर ये चीप ऑयल शायद इनको पॉज करना पड़ेगा, तो ये मार्जिन इतना तकड़ा फर्दर इंप्रूव नहीं हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल रिसेशन की भी वार्निंग की है, तो एक तो बात हुई कि कितना क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, पैट एक्सपेक्टेशन से कम है, दूसरा इनकी जो हॉकिश व्यू है कि रिसेशन आ रहा है जो कि ऑयल के रिफाइनरी मार्जिन को हर्ट करेगा, और साथ साथ में दे आर पॉसिबिलिटी ऑफ मोर पेन अहेड आफ्टर द ओनर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये यहां पर जो प्रॉफिट है ऑलरेडी लोअर देन एक्सपेक्टेड है, और इनकी हॉकिश स्टेटमेंट ये एक रिसेशन के फ्रीयर के लिए इतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिखेगा, मंडे के दिन थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए। What are the headwinds going forward? क्या मेन चीज होंगी जो इनको इतना ऊपर नहीं उठने देंगी यहां पर आगे आने वाले हफ्तों में? सबसे पहले जो फ्राइट फेयर है वो बढ़ता जा रहा है, 40% के आसपास फ्राइट फेयर बढ़ रहा है इनके लिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 76% इंक्रीज हो रही है, और साथ साथ में जो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स ग्लोबल आउटलुक दे आर डाउनग्रेडिंग फ्रॉम अपटेक टू प्रोबेबली पॉसिबल रिसेशन, और ये एक चैलेंज पोजिशन कर सकता है, अगर बड़ी बड़ी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएंगी तो फिर यहां पर इंडिया में भी थोड़ा इंपैक्ट आएगा ही आएगा। देखिए यहां पर अगर आप सिंपल बात करें, अगर प्रोबेन सेन जी हैं इनके अकॉर्डिंगली दे आर एक्सपेक्टिंग आगे आने वाले 2 सालों में अच्छा इनका डिलीवरी रहेगी, मार्जिन अच्छे रहेंगे, बट ओवरऑल We are not really very aggressive rating on the stock because return ratio reflects that higher capex flowing through over the next couple of years as well. तो ये एक चैलेंज है ICICI securities के अकॉर्डिंगली, जो इसको मार्केट में इतना तकड़ा रिटर्न पोटेंशियली नहीं दे सकता है आगे आने वाले 2 सालों के लिए। अब देखिए अगले जनरेशन को तैयार किया जा रहा है मुकेश अंबानी जी के द्वारा, आपको पता ही होगा उनके 3 बच्चे हैं अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और ईशा अंबानी, तीनों को बराबर बराबर हिस्सा देने की बात हो रही है, बट यहां पर लग रहा है अनंत के पास सबसे बड़ा बाजी मारा जाएगा, आकाश और अनंत के बीच में एक टफ फाइट रहेगी, जियो का ऑलरेडी इन्होंने स्पॉन्सरशिप दे दिया है यहां पर और डायरेक्टर बना दिया है आकाश को। तो अगर हम बात करें O2C एक के फेवर में, टेलीकॉम जियो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, रिटेल शायद ईशा अंबानी जी के फेवर में बात कर रहे हैं इसकी। अब रिलायंस का अगर बिजनेस क्वांटम का बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो बिजनेस वैल्यूएशन है O2C जिस केस में जाएगा वो सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा, 320 करोड़ रुपए का है, रिटेल का करीब 153 करोड़ है और जियो का महज 90 करोड़ का वैल्यूएशन है अभी की दृष्टि से अगर देखा जाए। और चैलेंज क्या है, रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है जो ओनर्स हैं वो इतने खुश नहीं है, क्योंकि
ये कभी भी सप्लाई को डिस्टर्ब कर देते हैं, जब भी इनको बेटर मार्जिन आउटसाइड मिलता है तो अपने पेट्रोल पंप पर ये सप्लाई भेजते नहीं है और कहते हैं सप्लाई की नहीं आ रही ऊपर से, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम हो जाती है और बाहर का कंजम्पशन ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वहाँ पर बेटर मार्जिन मिल रहा है। तो ये एक रशिया से चीप ऑयल मिल रहा है, फिर भी इनको बाहर भेजने की जल्दी है ताकि इनको ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें सेलिंग टू यूके एंड यूरोप। बट वो कितने दिन चलेगा ये एक चैलेंज होगा, गवर्नमेंट भी को भी इसको क्वेश्चन करना चाहिए। जब आपके एचपी बीपीसीएल सबके पेट्रोल पंप खुले रहते हैं 24/7, ये फिर रिलायंस जियो हफ्ते में 3 दिन क्यों बंद रहता है। साथ साथ में अगर बात करें एमके ग्लोबल, इन्होंने इसको बाय की रेटिंग दी है, 2800 रुपये का भाव इसके लिए रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए और करंटली 2400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपको पता होगा लार्ज कैप कंपनी है, करीब करीब 1 बिलियन करोड़ की कंपनी है ये अप्रॉक्सीमेटली। रिलायंस शेयर प्राइस करीब यहां पर एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो गिरा था अब वो वापस रिकवर कर चुका है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने रिवर्ट कर दी है। एक बुक आपको जरूर रिकमेंड करेंगे, रिच डैड पुअर डैड, और इसकी एक बहुत फेमस सेइंग है, द रिच मेक्स देयर मनी वर्क फॉर देम, दे डू नॉट वर्क फॉर द मनी बट दे मेक द मनी वर्क फॉर देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। जून के महीने का ये रहा हमारा प्रॉफिट समरी, आप चाहे तो देख सकते हैं पॉज करके, हर प्रॉफिटेबल ट्रेड रही है, चाहे किसी में 1000 का ही प्रॉफिट क्यों ना रहा हो। अब जियो की अगर बात करें तो देखिए, वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, और फ्री डाटा की वजह से काफ़ी तकड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है इनका, करीब करीब 426 मिलियन सब्सक्राइबर हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ARPU भी बढ़ना लगा है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इवेंचुअली इट विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल और कस्टमर रिटेंशन भी इसको आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी वजह से इन्होंने 5G के ऑक्शन में सबसे ज़्यादा अपना बिडिंग रखी है करंटली, जो अर्नेस्ट मनी है 21,800 करोड़ में, इसमें लायन शेयर जो है वो रिलायंस जियो का ही है। देखिए इन्होंने करीब 21,000 में 14,000 यानी कि 2/3 हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, फिर एयरटेल 5,500 करोड़ और आइडिया महज 2,200 करोड़ का फंडिंग दिया है इन्होंने। तो 5G ऑक्शन जो चल रहा है इसके लिए अभी अदानी नेटवर्क ने भी डिपॉजिट किया है स्मॉल अमाउंट, बट ये कितना लेंगे आगे 3G और 4G का डाटा थ्रू हेल्प ऑफ अदर पीपल अदर नेटवर्क, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो बहुत बड़े लेवल पर इनको आंसर करना है आगे इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। साथ साथ में अगर रिटेल की बात की जाए तो रिलायंस ने ऑलरेडी जो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स जो उनके टेक ओवर किया है स्टोर्स को वो अपने ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, ये 50% ज़्यादा इनको स्टोर मिल गए 4,800 करोड़ के रेंट के ऊपर। दिस इज डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट डेफिनेटली, और रिटेल बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इनका, और इसके लिए इन्होंने मुकेश अंबानी जी ने पोटेंशियली बहुत जल्दी ईशा अंबानी को इनका चेयरपर्सन बनाने की बातचीत चल रही है। और अगर हम बात करें जसलीन कौर जी जो कि पहले बेनेटन की एग्जीक्यूटिव थी, वो अब यहाँ पर रिलायंस रिटेल को ज्वाइन कर रही हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इनकी, जैसे जैसे गैप को एक्वायर करेंगे ये गैप का मर्जर और फर्दर फ्रेंचाइजीशिप इनकी यहाँ पर अनाउंस करेंगी। आपको पता ही होगा इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैनेजमेंट के लिए इनको रखा है, गैप के स्टोर्स का ऑलरेडी इनके साथ में डिस्कशन चल रहा है ताकि ये स्टोर्स का यहाँ पर गैप के प्रोडक्ट्स का अपने रिटेल स्टोर्स पर सेल कर सके। रिलायंस रिटेल इन्होंने अनाउंस किया है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद गैप, जो कि अमेरिकन जायंट पहले था यहाँ पर बट वो अरविंद फैशन के साथ था, वो बंद हो गया उनका ऑपरेशन की लॉसेस की वजह से, और अब रिलायंस रिटेल उनको वापस लेके आ रहा है इंडिया में, दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट आया है। रिलायंस कुड बी आइडियल फिट फॉर गैप फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ब्रांड वैल्यूएशन स्ट्रेटजी की, कहाँ पे किसके फिजिकल स्टोर्स ज़्यादा है, कैसी प्रेजेंस है, कैसे मार्केट की ब्रांड वैल्यू है, इस सब के चलते हुए गैप ने रिलायंस को सिलेक्ट कर लिया है। साथ साथ में इन्होंने प्रेट मैनेजर, आपको पता ही होगा, इसके साथ में इन्होंने रिलायंस ने डील अनाउंस की है और ये आगे करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। फ्यूचर लाइसल फैशन एक चैलेंजिंग पोजीशन बन सकता है रिलायंस के लिए, इन्होंने 50% ज्यादा स्टोर ले लिए हैं बट अभी ये और रिमेनिंग स्टोर को और उनके बैकएंड सिस्टम को लेने के लिए ऑफर बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे हिसाब से इनका जो रिलायंस रिटेल का है वो ऑलरेडी जो स्टोर इनके पास है उसके साथ में इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ में ऑर्गेनिक ग्रोथ भी चाहिए, जिसके लिए इनको मर्जर और एक्विजिशन जरूर करने होंगे। हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बहुत ही बड़ा बुलिश व्यू है, आप चाहें तो इसको पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करके रखिएगा, और
एज अ CSR एक्टिविटीज रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये इन्होंने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के साथ पार्टनरशिप की है, जो कंट्री में ओलंपिक मोमेंटम को इंक्रीज करने की बात कर रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है और FII के पास 25%, तो ये 75% सॉलिड होल्ड माना जाएगा। DII के पास 13% और पब्लिक के पास सिर्फ 11% की होल्डिंग है। इसकी पीयर कंपेरिजन किया जाए तो देखिए 2600 का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इनका पैट रहता है और बाकी का बहुत कम रहता है। यहाँ पर मार्केट कैप की दृष्टि से भी बहुत तकड़ा है इनका, आगे करीब करीब 1.6 बिलियन करोड़ रुपीस का अप्रॉक्सीमेटली इनका है। और ग्रीन एनर्जी में भी ये फोरे बना रहे हैं, जो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके लिए ये आगे REC के शेयर होल्डिंग को इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, नए बिजनेस वेन्यू ढूंढ रहे हैं और स्प्लिट बिटवीन द 3 ऑर्गेनाइजेशन विल क्रिएट वेल्थ फॉर शेयर होल्डर एज वेल। तो ये आपको डेफिनेटली इसको हमारे हिसाब से आपको ऐड करना चाहिए। आज का भाव 2500 के आसपास ये बंद हुआ है यहाँ पर और मंडे के दिन थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। दो रीजन है, 200 डे मूविंग देखें तो 2500 के आसपास है, इससे शायद नीचे की तरफ को प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा और जो गैप बना है उसको फिल करने जाएगा। काफ़ी टाइम से इसने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके रखा, जो कि बहुत अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर माना जाएगा। देखिए 2000 के लेवल से जिसने भी इस क्रॉसओवर को देख के खरीदा है तो ये अब कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ को मेंटेन रखा हुआ है। अनलेस अनटिल अब यहाँ पर मार्केट फर्दर करेक्ट हो और 50 डे मूविंग एवरेज फिर से 2500 के नीचे जाए, ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में मोमेंटम कंटिन्यू है। यहाँ पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, फ्राइडे के दिन बंद होते होते महज करीब करीब 5 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, कंपेयर टू द प्रीवियस हाइक 37 मिलियन के। तो ये वॉल्यूम कम है और ऊपर के लेवल पर थोड़ा प्रेशर रहेगा जैसा लग रहा है। 2450 का एक सपोर्ट माना जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एज पर बुलिंजर बैंड के करंट पैटर्न के बेसिस पर। सुपर ट्रेंड ने अभी भी इसको सेल सिग्नल बना के रखा है, 2575 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और RSI का लेवल 52 है यहाँ पर। साथ साथ में मैग्डी ने पिछले 5 दिनों से इसका बाय सिग्नल जनरेट करके रखा है, जिसकी करंट वैल्यू करीब 2400 के आसपास थी। तो इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर ये काफ़ी अच्छे लेवल पर है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक बन सकता है। फ्यूचर ग्रुप की अगर बात करें तो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स काफी तकड़ी गिरावट आ रही है फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में। अगर फ्यूचर डील देखें तो कल भी इसने लोअर सर्किट लगाया है और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को देखें तो ये भी ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल पर बंद हुआ है 1635 के आसपास। तो अगर हम यहां पर फ्यूचर रिटेल की बात करें तो फ्यूचर रिटेल का शेयर अब काफी नीचे गिरने की उम्मीद लगाई जाएगी, क्योंकि स्टॉक ने अब यहां पर NCLT का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसमें इसकी वैल्यूएशन शेयर होल्डर की 0 रहेगी। तो इसको हमारे हिसाब से अभी के लिए अवॉइड कीजिए, अनलेस अनटिल कोई कंपनी आए जो इसको बोले कि हम शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे यहां पर इसकी। तो अभी हमारे हिसाब से इसमें प्रेशर थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप चाहे तो इसको एग्जिट कर सकते हैं। देखिए कल भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है यहां पर सुबह के सबसे पहले टाइम पर। और अगर हम बात करें फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड की, तो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड भी अभी थोड़ा प्रेशर में है और इसका जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर करीब करीब आपका 16 रुपये 30 पैसे के आसपास बंद हुआ है ये। और इसने इंट्राडे का लो बनाया था 16 रुपये 25 पैसे के आसपास बनाया था, जो इसका लोअर सर्किट पर है। 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज से अब नीचे गिरना शुरू हुआ है, हो सकता है फिर से अपना लो टच करे, ये 13 रुपये के आसपास यहाँ पर इसका लो है। कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर इसने यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना नहीं शुरू हुआ है, ये एक चैलेंज है। अगर ये 14 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता है तो माना सकते हैं कि कुछ लोग इसको बाय कर रहे हैं ज्यादा। आइए जरा चलकर ICICI बैंक के Q1 के रिजल्ट्स का रिव्यू करते हैं। क्या है ICICI बैंक के Q1 के पीछे जो नंबर्स आए हैं उसकी पूरी बारीकी से एनालिसिस करेंगे और आपके सामने एक अपना निष्पक्ष पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। प्रॉफिट डेफिनेटली राइज किए हैं 50% से भी ज्यादा, तो नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड माने जाएंगे। बट पैट के अंदर क्या है अंदर की खबर वो समझाते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4616 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, बट इस साल ये बढ़कर 6905 करोड़ का प्रॉफिट बन गया। तो इस हिसाब से ये एक थम्स अप है अगर आप सिर्फ नंबर के बेसिस पर देखें। सबसे बड़ा मेन रीजन जो है नेट इंटरेस्ट इनकम NIM, ये 13,210 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये
4.01% बढ़ा है कंपेयर टू 3.98, तो इसमें 0.3% का इजाफा आया है पिछले साल के मुकाबले, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा बात है। और यहां पर देखिए 45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो 7% के आसपास इनका ग्रोथ किया है। डोमेस्टिक होलसेल बैंकिंग 14% बढ़ा है यहां पर इस साल के लिए। तो इनके अकॉर्डिंगली जो उनके टारगेट फॉर एडवांस ग्रोथ है, वी हैव डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू क्रेडिट, और उनके अकॉर्डिंगली ये नंबर्स कैन बी हायर और लोअर्स, बट दे वांट टू फॉलो द डिसिप्लिन एज पर देयर प्रोसेस। देखिए 5000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 14000 से ज्यादा एटीएम कार्ड एटीएम मशीन्स हैं इनकी, और 2000 से ज्यादा एटीएम मशीन्स कैश एक्सेप्टेड करती हैं। तो उस हिसाब से बहुत बड़े लेवल का बैंक है, नंबर वन बैंक कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, एचडीएफसी को टक्कर देने वाला बैंक है यहां पर। और इनके एनपीए जो है वो थोड़ा एक चिंताजनक विषय है इसमें। अगर हम बात करें एनपीए की, तो ओवरऑल जो नंबर एनपीए के हैं वो 5400 करोड़ के हैं, पिछले क्वार्टर में इनका 4600 करोड़ का था, तो एनपीए बढ़ गए हैं इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल। बट यहां पर एनपीए के साथ में जो नेट एडिशन हुआ है 382 करोड़ रुपए का एनपीए अप्रैल से जून के क्वार्टर में, अगेंस्ट 3600 करोड़ सेम टाइम वन ईयर अगो, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है कि इंक्रीमेंट जो है कम हुआ है यहां पर। बट इस एनपीए का मूल विश्लेषण हम आगे चलकर बताएंगे। फंडामेंटली देखा जाए फ्राइडे के मार्केट क्लोज के टाइम पर 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड 0.25, डेली वॉल्यूम करीब 96 लाख, एवरेज वॉल्यूम है इसका पिछले 20 दिनों का। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू देखा जाए तो काफी स्टडी ग्रोथ दिखाई है, देखिए कोविड का भी कोई इंपैक्ट नहीं है, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे इनका रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ा है 2020 में एटलीस्ट, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो प्रॉफिट कोविड के टाइम पर 2019 से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 5 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है यहां पर, 5000 करोड़ से 25000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है 2022 में, तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। एफआईआई की होल्डिंग 45%, डीआईआई की होल्डिंग 44%, और पब्लिक आप और हम जैसे लोग महज 10% की होल्डिंग रखते हैं। अगर पब्लिक की होल्डिंग का ब्रेकआउट देखा जाए तो यहां पर एलआईसी 7.7%, एसबीआई म्यूचुअल फंड 5.2%, आईसीएसआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड यहां पर करीब 2.6%, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 2%, और एनपीएस ट्रस्ट एंड कोडक महिंद्रा म्यूचुअल फंड 1.98% है। क्यू1 के नंबर्स अच्छे हैं, बट अगर यहां पर देखा जाए क्या मेन पैरामीटर हैं, किस में ऊपर गया किस में नीचे गया, जो ब्रेकडाउन है आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं उसको। तो सबसे पहले प्रोविजंस, यहां पर इन्होंने कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए तो रिटेल सेगमेंट में जो Q4 का प्रॉफिट आया है वो देखिए Q4 के कंपैरिजन में काफी गिर गया है यहां पर। Q4 में 22 बिलियन का प्रॉफिट था और यहां पर जो आया है वो सिर्फ 3 बिलियन का रह गया है, तो रिटेल सेगमेंट से पैसा बहुत ज्यादा कम हो गया है इनका प्रॉफिट की तरह से देखा जाए। होलसेल का भी देखा जाए तो 25 बिलियन के बजाय 19 बिलियन का रह गया है ये। ट्रेजरी से इंक्रीमेंट हुआ है 18 से 26 का, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड माना जाएगा इस क्वार्टर में। अदर्स में 0.25 से 0.80, ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड माना जाएगा। और अनअलोकेटेड जो लास्ट टाइम में -10 करोड़ का था, इन 10 बिलियन का था, वो अभी +10 बिलियन का है, तो पिछली बार जो रियलाइज नहीं किया था वो इस बार रियलाइज कर रहा है। अगर इनको रियलाइजेशन टाइम के बेसिस पर होता तो Q4 का एक्चुअल नंबर 66 बिलियन के आसपास है और Q1 का एक्चुअल नंबर ये 50 बिलियन के आसपास है। तो नंबर देखने से लग रहा है कि ग्रोथ हुई है, बट एक्चुअली ये ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये 16 बिलियन का रिडक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओवरऑल। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसीलिए आपको ये सेगमेंट वाइज ब्रेकर दिखा रहे हैं, और जो अनअलोकेटेड है ये आपको बहुत जरूरी से समझना है। अच्छी खबर ये भी है कि इन्होंने पे टू कॉन्टैक्ट्स का इन्होंने ट्रांजैक्शन करना शुरू किया था, इंडस्ट्री फर्स्ट अप्रोच, और वो इसका इंक्रीमेंट हुआ है 5 गुना। अब अगली बात एनपीए की अगर बात करें, ग्रॉस एनपीए 413 करोड़ से गिरकर 403 करोड़, देखने से लगेगा कि ठीक हुआ है। अगर हम
इनके प्रोविजंस की बात करने के बाद इनका डिडक्शन देखें तो जो नेट एनपीए है 91 करोड़ से 86 करोड़, ये भी देखने से लगता है सही है, बट अगर आप ग्रॉस एनपीए देखें, जो कि ग्रॉस एनपीए रेशियो निकाला जाता है, कितना उनका एनपीए है और कितना उनका टोटल लोन है, क्योंकि एनपीए भी गिरे हैं साथ साथ में इनका टोटल लोन बुक भी कम हुआ है, जिसकी वजह से इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, और बढ़ा भी नहीं 0.5% के आसपास ग्रॉस एनपीए बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। और यही चीज अगर यहां पर देखा जाए तो 0.1 के आसपास इसका ये बढ़ा है, 0.09 या फिर 0.1% के आसपास नेट एनपीए भी बढ़ा है। तो इन दोनों पैरामीटर पर ये एक नेगेटिव रिजल्ट माना जाएगा, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी। देखिए आईसीआईसीआई में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो जो आपको गिरावट मिलेगी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी आप अपने पास लगा सकते हैं। इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंट 6 कॉन्टिनेंट में है, ये एक अच्छी बात है, और साथ साथ में अगर एनएससी में बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग है, बैंक निफ्टी का वन ऑफ द लीडिंग वेट इंडिकेटर है। कोविड का इंपैक्ट अब ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है, और जो इनकी फीस है, फेस बेस इनकम इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर स्पेंड भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, जो कि कार्ड बिजनेस में अच्छा रिवेन्यू जनरेट करेगा इनका। आइए जरा चलकर सबसे पहले हम आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस करते हैं टेक्निकल पैरामीटर के बेसिस पर। तो फ्राइडे के दिन बंद होते होते अगर आप देखें तो फिर से ये 800 रुपए के आसपास चला गया, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड माना जाएगा इसका। 870 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज को देखें तो यहां पर ये ब्लैक क्रॉसओवर इवेंट था, इसका मतलब यहां पर मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, और हुआ भी वही, 675 के आसपास दो बार टच किया, और उसके बाद अब ये 800 के लेवल को क्रॉस कर गया है, जिसमें इसने दोनों 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को क्रॉस करके ऊपर चला गया है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक का स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जो ये कैंडल पिछले 10 दिनों से बन रही है, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बन रही है, 15 मिलियन 12 मिलियन 11 मिलियन के आसपास शेयर हैंड एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें, यानी कि करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेड हो रहे हैं, एवरेज से ज्यादा ट्रेड से बढ़ना एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। बुलिंजर बैंड के लोअर हिस्से से 675 से बढ़कर अपर हिस्से में चला गया है, और बैंडविड्थ भी करीब 15 के आसपास हो गई है, जो कि एक हायर रेंज में है, थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन होगा, इसको यहां पर खरीदने की सलाह नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और जिस तरह से इंडिविजुअल स्टॉक के सेक्टर के रिजल्ट देखे हैं, हमारे हिसाब से मंडे के दिन ये थोड़ा नीचे को जाएगा, और हो सकता है अगले हफ्ते आपको ये 760 के आसपास भी मिल सकता है। यहां पर 753 का इसका सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है, तो उसको रिस्पेक्ट करेगा ये। आरएसआई का लेवल 74, जो कि ऑलरेडी ओवरबोर्ड जोन में है, तो आपको ध्यान रखना है आरएसआई जब भी 70 के ऊपर हो आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है एज अ रिटेल निवेशक। मैकडी ने पिछले 2 महीने से यहां पर ऑलमोस्ट बाय सिग्नल जनरेट किया, जब 715 का लेवल था, और देखिए 100 रुपए ऑलरेडी इसने पॉजिटिव ट्रेंड दिखा दिया है। दूसरी चीज हम यहां पर बताना चाहेंगे, एक्सिस बैंक भी टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। अगर हम एक्सिस बैंक का देखें तो एक्सिस बैंक ने भी काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है पिछले काफी टाइम से, और फ्राइडे के दिन बंद होते होते भी इसने देखिए यहां पर 715 से 731 का लेवल पहुंचा, जो कि एक स्ट्रेट, किसी दिन कभी भी आपने बाय किया होगा कहीं पे भी तो वो पॉजिटिव तरह से आपको लेके आया है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज देखें तो ये यहां पर ब्लैक क्रॉसओवर हुआ, और इसकी वजह से मार्केट का भाव 750 से गिरकर ये 625 तक चला गया, और फिर 625 से फिर से इसने 730 का लेवल बनाया है। हालांकि इतनी रिकवरी नहीं दिखाई जो आईसीएस ने, तो पोटेंशियली ये यहां से और ऊपर जा सकता है। अगर आईसीएसआई बैंक का देखें तो ये देखिए आईसीएसआई बैंक ने जो अपना नया हाई बनाया था पिछले 3 महीनों का, ये अभी 800 तक नहीं पहुंच पाया है, 730 इसका है करंट प्राइस, 830 इसका 3 महीने का हाई है। अगर एक्सिस बैंक को देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है बुलिंजर बैंड पर, यहां से लोअर लेवल से बढ़कर सीधा 730 के लेवल पर पहुंच गया है, और बैंडविड्थ भी अभी 16 के आसपास है, तो ये डेफिनेटली लग रहा है कि यहां पर ओवरबोर्ड जोन में आ चुका है। थोड़ा सावधान रहिएगा, अभी यहां पर लॉन्ग टर्म के निवेशक थोड़ा अवॉइड कीजिएगा खरीदना। अगर हम एक्सिस बैंक का सुपर ट्रेंड देखें तो सुपर ट्रेंड के बेसिस पर इसने बाय सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है, और आरएसआई 73 के आसपास है, जो इसको एक ओवरबोर्ड जोन में दिखाता है। मैग्डी को देखेंगे तो मैग्डी ने इसने शुरुआत में ही बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, जब इसका भाव 600
35 के आसपास था और देखिए 100 रुपए के आसपास इसने यहां से मोमेंटम पॉजिटिव दिखाया, तो उस हिसाब से ये भी बैंक बहुत अच्छा है, बट अभी शायद ओवरबोर्ड जोन में। चाहे तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हम अपनी सारी ट्रेड्स बताते हैं, तो हमारे साथ 299 का पैकेज ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्रेनिंग करने